नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मनाली स्थित नेहरू कुंड के नजदीक एक वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, दो लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। बरनाला की तपा मंडी में एक सुनार पर हथौड़े से वार कर दो लुटेरों ने दिया लूट को अंजाम, लाखों रुपयों के गहने लूटकर हुए रफू चक्कर। बठिंडा पटियाला रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत। और अब हलचल विस्तार से। मनाली के साथ लगते नेहरू कुंड के नजदीक एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक सड़क पर पानी जमने के कारण स्किड होने से यह हादसा हुआ है। फिलहाल घायल व्यक्ति को उपचार हेतु सिविल अस्पताल में लाया गया है। तो वहीं कुल्लू के SSP गुरुदेव शर्मा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों मृतक स्थानीय हैं। बरनाला की तपा मंडी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल रोड पर एक सुनार के ऊपर हथौड़े से हमला कर लाखों रुपयों के गहनों की लूट को अंजाम दिया गया, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गत दिवस सायं 6 बजे के करीब स्कूल रोड पर स्थित वर्मा ज्वेलर्स के मालिक संदीप कुमार उर्फ सोनू की दुकान पर दो नौजवान आकर सोने के गहने देखने लगे। इस दौरान उक्त नौजवानों के मुंह ढके हुए थे। वहीं गहने देखते हुए जब सुनार द्वारा उनका बिल बनाया जा रहा था, तो उनमें से एक नौजवान ने अपने बैग में से हथौड़ा निकाला और सुनार के सिर पर वार करने शुरू कर दिए, जिस कारण सुनार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सुनार ने दुकान से बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। तो वहीं दोनों नौजवान सुनार को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। इस दौरान आसपास के दुकानदारों द्वारा जख्मी सुनार को सिविल अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी निर्मलजीत सिंह ने वहां लगे CCTV कैमरों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। शहर में वापर रही दिन प्रतिदिन माड़िया घटनावां प्रति 28 तरीक नूं भी असीं SP साहब की मीटिंग च निगाह कराई सी, जदों SP साहब कह रहे थे भी साडे DGP दे ऑर्डर ने प्रशासन लोगों के द्वार तक, पर उस तो बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अज दिन दिहाड़े स्कूल रोड से जिहड़ी वारदात हुई सुनारे की दुकान से लटेरे शरेआम डाका मार के लै गए, उस दे संबंध च व्यापार मंडल ने फैसला किया है कि 31 दिसंबर नूं पूर्ण तौर पर तपा बंद रहेगा। लोगों नूं असीं जिहड़ी SSP साहब नूं बेनती की थी भी प्रशासन के जिहड़े हैगे आ वो कोई बाले वधिया रवैया नहीं है, दुकानदार दुकान पर जाने तो डर रहा है, किसान खेत जाने तो डर रहा है, मजदूर वर्ग मजदूरी करने खेतों घरों निकलने लिए डर रहा है, पर प्रशासन के कन्ना ते कोई जो नहीं सरकती, वह अखा मीच के बैठा होया है। इस संबंधी अज सारे समूह व्यापारिक धार्मिक समाजिक जथेबंदियों ने 31 दिसंबर नूं पूर्ण तौर पर तपा बंद रखा इस खिलाफ घटनावां के खिलाफ, क्योंकि प्रशासन के कन्ना ते जो नहीं सरकती, सिर्फ लोगों के मूँह वाल देखता भी कोई की कर रहे। बरनाला तो हिमांशु दुआ की रिपोर्ट। बठिंडा पटियाला रेलवे लाइन पर TV टावर के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना GRP की पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला के शव को सहारा क्लब के वर्करों की ओर से पुलिस की मौजूदगी में सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। वहीं मृतका की उम्र लगभग 40-45 वर्ष के करीब लग रही थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए SI सुविंद्र कुमार ने बताया कि मृतका पुरानी इंडस्ट्री एरिया की रहने वाली है। वहीं मृतका के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरा नाम संदीप सिंह, सहारा दिन सर वॉलंटियर है। सानू सहारा कंट्रोल नंबर 98-140-74-74 कॉल आई थी कि बठिंडा ITI चौंक से एक रेलवे लाइन पैंदी है, उत्थे एक ट्रेन नाल किसी की फेट बजी। साड़ी सहारा टीम हरबंस सिंह हर्षी चावला मौके पर आके देखा, जो कि एक लेडी सी जो कि रेलवे ट्रैक नाल रेलवे नाल उहदी ट्रेन दे नाल फेट बजे नाल मौके पर ही मौत हो गई। तो असी GRP नूं इनफॉर्मेशन देती, GRP मौके पर आ गई ते बाकी जांच पड़ताल कर रही है। बठिंडे की रहने वाली आ, उम्र 45 तो 50 साल आ,
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਥਾਣਾ ਜੀ ਆਰਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਅਫਸੈਟ ਸੀਗੀ, ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ? ਲੋਕਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਲਏ ਆਪਣੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। अमृतसर का एलिवेटेड ब्रिज भंडारी ब्रिज से शुरू होकर अल्फा वन तक जाता है और ब्रिज के ऊपर से कई बार ओवर स्पीड के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें पुल पर नशे में धुत पुलिसकर्मी द्वारा इनोवा टैक्सी कार के साथ अपनी कार को टक्कर मारी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहसबाजी हुई। इस दौरान इनोवा कार चालकों का कहना था कि उक्त पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी, जिससे ये हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का रोब डालकर उन्हें डरा रहा है, वह तो सिर्फ अपनी कार के हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कार चालक पुलिस अधिकारी मेजर सिंह ने बताया कि वह भंडारी पुल से अल्फा वन साइड की ओर से जा रहा था कि अचानक इनोवा कार ने उनके आगे ब्रेक लगाई, जिससे वे अपनी कार का संतुलन खो बैठे और यह हादसा हुआ। इस हादसे में उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी मेजर सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी तरह का नशा नहीं किया हुआ, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले संबंधी क्या कार्यवाही करते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। प्यारी साध संगत जी, मैं भंडारी पुल तो जो ही तां चढ़िया ना, मैं मुलाजम वेख्या रज्जा गुट होया, अखा मीड़ मीड़ गड्डी चलाउण डिया। मैं इहनू राह देना चाहिया, लेकिन इहने फिर मेरे कनैक्टर साइड वाल गड्डी मगर मारी, इन्नी तेज़ मारी कि इहनू होश ही नहीं अपने आप दी। ते दूजा उत्तों मेरे गल पैण लगा, कहिंदा मेरा मोबाइल खोह लिया दो, ते इहदा न्याय कीता जावे महाराज जी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਜੰਸੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਡੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ, ਧੁੰਦ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ। ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਮਗਰਾਉਣ ਡਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭਟਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ ਪਰ ਗਾਓ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕੇ ਪਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ੍ਯ ਮਾਰਗ ਪਰ ਭੀਸ਼ਣ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन व दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। इस संबंधी ट्रक के मालिक ने कहा कि उसने श्री मुक्तसर साहिब से बेंगलोर पेपर लेकर जा रहा था। उसने गत दिवस ही गाड़ी की सर्विस करवाई, लेकिन अचानक गाड़ी से धुआं निकलने लगा। धुएं को हटाने का प्रयास किया तो ट्रक पेड़ से जा टकराया और ट्रक में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम खुलवाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ट्रक मालिक का कहना है कि उनकी गाड़ी में करीब 30 लाख रुपए के कागज थे और 35 लाख रुपए की कीमत का वाहन इस आग की चपेट में आ गया है। मेरा नाम इंस्पेक्टर हरविंदर सिंह है, मैं SHO सर्विस मंडी लगे हाँ। ये ट्रक अच्छ सवेरे तो जाता पाया सीगा, बठिंडे तो डबल साइड में जाता सीगा। ये ट्रक उत्ते निम दे विच वज गया, जब तक किसी चीज़ में ओवरटेक करता सीगा। ड्राइवर तो कहता भी कोई अगों कार ओवरटेक करती सी, वो करके अगला पासा निम दे विच लग लग गया। ये ट्रक सारा आटोमैटिक अजकल सेंसर डाउंदे आ ते आटोमैटिक है सारे। इहनूं अग पै गई, इहदे विच सेतिया पेपर मिलदा, पेपर सीगा कागज़ सीगा, वो सारे कागज़ नूं अग पै के सड़क भी ब्लॉक हो गई सीगी। फिर सारा पासे करा के सारा पेपर वगैरह JCBAं मंगा के पासे करा के सारा जी इहनूं ट्रैफिक चल लग कीता एक बार, बाकी देखते हैं। ट्रक का कितना नुकसान होया? ट्रक का तकरीबन सड़ गया जी सारा, 100% ही सड़ गया। ड्राइवर का की है? ड्राइवर ते चोट लगी है जी, सर ते सट लगी है। डबली रोड ते अग लग गई ट्रक नूं, फिर 2 गड्डियां आईयां,
ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਹੁਣ ਪਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਆਹ ਬਾਕੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਪੇਪਰ ਜੀ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੰਗਲਾਵਰ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਖੜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਟਲ 'ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟੁੰਕੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਤੋਰ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਣ ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਉਲਝ ਗਏ ਜੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਗਾਂ ਕਿੱਕਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਗਈ। ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਏ ਨੇ, 5-6 ਕਾਰਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ। ਨਵ ਵਰਸ਼ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਮਨਾਲੀ ਮੇ ਸੈਲਾਨੀਓ ਕੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋ ਲੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ SSP ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਔਰ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਹੋਏ ਹਿਮਪਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਨਾਲੀ ਕੀ ਔਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਹਾਂ ਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਬੜਾ ਦੀ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ CCTV ਔਰ ਡਰੋਨ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨੋਂ ਕੋ ਗੈਮਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਹੀਂ SSP ਦੁਆਰਾ ਸੈਲਾਨੀਓਂ ਕੋ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਮੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮੋਂ ਕਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਸੇ ਚਲਤੀ ਰਹੇ। जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए हमने पूरा डिप्लॉयमेंट करके रखी हुई है, हमारे जो एक DSP लीव रिज़र्व है उनको ट्रैफिक का व्यवस्था देखने के लिए इंचार्ज नियुक्त किया गया है मनाली टाउन के लिए। और इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि जो भी नगर की तरफ जिनके बुकिंग्स हैं या जिनको प्रिणी की तरफ जाना है, LOA की तरफ जाना है, तो उनको हमने गैमन ब्रिज से लेफ्ट बैंक से डाइवर्ट कर देंगे ताकि यहाँ पर टाउन का कंजेशन कम हो पाए। और इसके अलावा जहाँ पे भी बर्फ़ की स्थिति को देख करके, रोड की स्थिति को देख करके कि गाड़ियों को अटल टनल तक जाने देना और किस प्रकार के व्हीकल जाएंगे, वो कल ही हम डिसाइड कर पाएंगे। अभी आज क्योंकि यहाँ पे नेहरू कुंड से आगे गाड़ियाँ नहीं जा पाई थी तो उससे, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी इसलिए उससे आगे गाड़ियाँ जाना संभव नहीं था, तो इसलिए भी जो टाउन में थोड़ा ओवर क्राउडिंग रही है। लेकिन अभी BRO लगा है तो मुझे उम्मीद है कि कल तक वो सोलंग नाला तक भी हमारा खुल जाएगा, वहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट पार्किंग भी है, तो फिर उस तरह से हमारा जो है टाउन का ट्रैफिक है उसको अच्छे से हम रेगुलेट कर पाएंगे। सर, जिस तरह से मॉल रोड में कल जश्न रहेगा, तो क्या कुछ यहाँ पर जो है वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा? हाँ, कानून व्यवस्था बनाने के लिए मॉल रोड पर भी हमने एक QRT जो है उसको लगाया गया है, और उसके अलावा जो हमारे DSP मनाली है वो स्वयं भी यहाँ पे रहेंगे, CCTVs के और ड्रोन्स के द्वारा भी जो हम सर्वेलेंस करेंगे। जालंधर में सिल्वर प्लाजा मार्केट सोडल रोड स्थित थाना डिवीजन नंबर 8 के SHO नवदीप सिंह द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी गाड़ियों व आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए SHO नवदीप सिंह ACP नॉर्थ दमनप्रीत ने कहा कि नव वर्ष के चलते ये चेकिंग अभियान किया जा रहा है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति हुल्लड़बाजी और नशा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। देखो, नवा साल जिहड़ा हैगा वो चढ़न वाला है, तो नवे साल असीं लोगों को यही मैसेज देना चाहांगे कि तुसीं लॉ दे अंदर दायरे च रह रहे के अपना इंजॉय करो, नवा साल किसी दूसरे बंदे नूं हरैस ना करो, तो जिहड़े ओपनली इत्थे बैठ के कोई सानूं कंप्लेंट आंदी है भी असीं बैठ के शराबा पीने ने कुछ कहते हैं तो बिल्कुल अलाउड नहीं कराया जाऊगा। जिहड़े बंदे लिकर पी के सेवन करके शराब दा गड्डियां चलाउंदे ने असीं चलान करांगे, तो इस करके सारे सतर्क रहन, तो जे कोई अपना सीनियर सिटीजन या कोई होर सिटीजन ये सानूं इनफॉर्मेशन देना चाहुंदा है तो साढ़े कंट्रोल रूम से फोन करके सर इनफॉर्म कर सकते। सर, इस तरह प्रोपर चैकिंग होंगी रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, माणयोग CP साहब दी हदायतां ने
ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਹਾਂ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕੇ ਆਗੇ ਲਗੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨਕੇ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਆਇਆ ਥਾ ਔਰ ਵੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵੀ ਗਏ ਥੇ। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी जांच के लिए भी लिखा था दिल्ली, मोहाली और दूसरी लेबोरेटरी से फैक्ट्री के अंदर की मिट्टी को बाहर किया और जहां शिकायत मिली थी वहां के सैंपल भी लिए गए थे। उन्होंने कहा कि माननीय अदालत के आदेशानुसार वहां के लोगों की मौजूदगी में यह सैंपल लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट सही आई है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि अगर अभी भी कोई दिक्कत लगती है तो देश में जाँच करने के लिए और भी बड़ी लेबोरेटरी है, वहां से भी जांच करवाई जा सकती है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सरकार वाला तो सरकार दसूगी, असी अपनी गल जिहड़ी हैगी उह जरूर तुसीं साडे को पुछिए, असीं दसांगे कि उस पिंड दे विच इक बोर होया, बोर दे विच इक उन्होंने एक वीडियो बना के पाई कि साडे पिंड दे जिहड़े बोर दे विचों लाह निकल रही है, ते असीं उस जिहड़ी गल नूं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਰੀਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਰ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਸੈਂਪਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਬਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਭਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਏ साल के मद्देनजर नाकाबंदी की गई। इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों के चालान किए गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसआई मलकीत सिंह ने बताया कि नए साल के चलते लोगों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम करवाए जाते हैं, इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटित हो इस कारण ये चेकिंग अभियान किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है, इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति हुल्लड़बाजी और नशा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ਮੋਰਿੰਡਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਬੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੇ ਹਾਂ, 2 ਵਿਦਾਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਲੈਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮਟ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਤਟਵਾਸਨੀ ਪਰ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਖੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਜਨ ਲੇਖਕ ਬਲਵੀਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੀ 87ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਕੋ ਗਾਕਰ ਇਸ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਭਜਨੋ ਕੋ ਗਾਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਮਾਂ ਭਕਤੋ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋ ਦੇਸੀ ਤਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਲੋ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਗੁਬਾਰੋ ਸੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, मेयर जगदीश राजराजा, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव सीए वीएम अरोड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, बलदेव आनंद, पार्षद रीटा शर्मा, दीपाली बागड़िया, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, इंद्रजीत सिंह राही, अश्विनी चोपड़ा, अरुण वर्मा और नीरज मित्तल सहित बड़ी संख्या में मां भक्त उपस्थित रहे।
चौंकी के उपरांत मां त्रिपुर मालिनी के भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। दीपक रबड़ एंड केमिकल इंडस्ट्री के संस्थापक एवं प्रसिद्ध समाज सेवक दीपक सूरी के पिता धर्मपाल सूरी का आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार बाबा
दादामल शमशान घाट मकसूदा में किया गया। स्वर्गीय धर्मपाल सूरी को मुखाग्नि उनके बेटे दीपक सूरी द्वारा विधिवत ढंग से दी गई। इस मौके पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय धर्मपाल सूरी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी और शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना प्रकट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मनाली स्थित नेहरू कुंड के नजदीक एक वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, दो लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। बरनाला की तपा मंडी में एक सुनार पर हथौड़े से वार कर दो लुटेरों ने दिया लूट को अंजाम, लाखों रुपयों के गहने लूटकर हुए रफू चक्कर। बठिंडा पटियाला रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।